सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इस सेंस के अंदर। बल्कि इस्लाम से पहले मक्का जो था, मक्का तो बहुत पुरानी जगह है, वहां पे अंदर मूर्तियां थी, उनकी जगह थी सारे लोग। दुबई के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको भागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इन्वाइट किया जाता है। दुबई की ओर से, यूएई की ओर से पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी द यूएई हार्मनी अवार्ड 2024 देने का फैसला किया है। वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने, ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है, और वो भी इंडिया के पीएम के लिए। हमने देखा था और इमरान खान को देखा था। कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट कर। आमद पे जो है ना दुबई बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हिंदुइज्म का जो पीस और लव का जो पैगाम है, आए सब इसमें मिलकर जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते। दुबई के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको भागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इनवाइट किया जाता है, और उनको रिसीव करने के लिए शेख फैमिली से डॉक्टर अबू अब्दुल्ला आते हैं, उनको अपनी लग्जरी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं, और उनकी आमद पे जो है ना दुबई बहुत ज़्यादा खुश होते और कहते हैं कि हिंदुइज़्म का जो पीस और लव का जो पैगाम है, आए सब इसमें मिल के जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी जानिब खबर ये आ रही है, अफवाह ये आ रही है कि दुबई जो है 42 एज के जो मैन है पाकिस्तानी, उनको बैन करने वाला, 18 से 42 साल के, क्योंकि वजह यह है कि पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और आवाम जो है पाकिस्तान छोड़कर अपने करीबी हमसाया ममालिक की तरफ शिफ्ट हो रही है। बात यह करेंगे कि दुबई का जो बिहेवियर है पाकिस्तान, और इसके साथ साथ उनकी जो कहते हैं ना ख़ास किस्म की अट्रैक्शन है इंडिया के लिए, इसके ऊपर पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी यूथ से बात करेंगे। लेकिन आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि दोस्तों वीडियो हमारे साथ पूरा देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हमारे साथ जो है नायला खान मौजूद है, और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का रिएक्शन जो है नायला के रिक्वेस्ट पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। बिल्कुल, मैंने शायला को बोला था कि यार आज के टॉपिक में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, और मैं स्टार्ट करूँगी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से। जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको फूल पहना, उनको मालाएँ पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने, ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है, और वो भी इंडिया के पीएम के लिए। हमने देखा और इमरान खान को देखा था। और यार मैं बताऊं, उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो ये कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते, मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है, उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और अभी भी एक बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं किस कंट्री में, कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी दाढ़ियों को हटाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे, तो इतना कुछ किया जाता है। दुख होता है यार कि सभी एक तरह नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपना इमेज खुद इस तरह। और अभी एक और खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई है कि यार जो इंडियंस लोग हैं उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है, लोग उनको वीजे फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीजे के आए, उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर्स हैं उसको मजीद आगे करेंगे, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज देंगे, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए। और अभी एक खबर भी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है सेकेंड नंबर पे जिन सीईओ की सबसे ज्यादा हाई सैलरी है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और अभी एक और भी हम देख रहे थे कि चांद स्पेस में जाके उन्होंने अपना तिरंगे को लहरा दिया, तो ये इंडियंस ही कर सकते हैं। जो हमारे पाकिस्तान में करंटली इश्यूज है ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, दूसरी जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमिकली सिस्टम वगैरह जो है ना बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो मतलब दुबई वाले जो है ना पाकिस्तान की वीज़ा वगैरह जो उसको रिजेक्ट करता है इसकी।
इसके अलावा अगर पाकिस्तानियों के वहाँ पर जो कारनामे हैं उनको देखा जाए तो वो भी तो कुछ अच्छे नहीं होते ना। हाँ ये बात तो है, पाकिस्तान के लोग तो मशहूर हैं ना हर जगह में फ्रॉड वगैरह करना, स्कैम करना वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से भी ये भी एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से वो वीज़ा पाकिस्तानी लोगों को नहीं देते। अगर हम इसी की बात अगर इंडिया के साथ जोड़ते हैं, उनके एक बहुत बड़े महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, और उनका जी दुबई के अंदर बड़ा जो है ग्रैंड वेलकम किया गया और शेख फैमिली के डॉक्टर अबू अब्दुल्ला उनको आए, रिसीव किया, खुद ड्राइव करके लेके गए और उनका 3 दिन का वहाँ पर प्रोग्राम था और वो इतना खुश हुए कि आपके जो लव और पीस के मैसेज को जो है ना हम बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, आए मिलके सेलिब्रेट करें। तो दुबई जो है वो हिंदुइज़्म और इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना झुक रही है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की इस कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया जो है ना अभी इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकली तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी आईटी सिस्टम अगर हम देखें पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग है, जो भी वजीर आजम आते हैं अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाते हैं, लेकिन आजकल वहाँ पे भी बहुत से मतलब पॉलिटिकली इशूज़ वगैरह चल रहे हैं। अच्छा, इशू चल रहे हैं। हाँ इशू चल रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ उसकी बिजनेस के रिलेटेड वगैरह उसको चेक करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी आईटी सिस्टम वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे बिजनेस वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। और इसके अलावा दुबई और इंडिया के दरमियान जो है ना फ्री ट्रेड सिस्टम है, उसके दरमियान जो है ना मुआहदे वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो इसकी वजह से अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो हम सिर्फ इस हद तक होता है कि हमने वहाँ जाके कोई नौकरियाँ करनी है या हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं या हमारे जो हाई ऑफिशल्स हैं उनकी सिर्फ यहाँ तक होती है कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स लेके आए, और उनका जो फ़रोग होता है अगर आप जो आपने बात की इंडिया के हवाले से देखा जाए तो वो उसमें इंडिया में जो सारी की सारी यूथ है वो ऑलमोस्ट 82% आईटी एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, और अगर आप दुबई के हवाले से देखें, सामने कैमरे में देखेंगे, आप दुबई के हवाले से देखें तो वहाँ पे इस चीज़ का बड़ा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो उनका हमारे ओपन कंट्रीज को वेलकम करना ये कोई हमारे लिए खुशहाल नहीं है, पर हम इस चीज को बनाए ताक रखते हुए हमारा फोकस इस चीज पे है कि हमें कोई एड मिल जाए, हमें कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए, पर ये भी हमारी सिर्फ न्यूज की हद तक होती है। अब अगर हाल ही में देखा जाए हमारे जो कुछ सिटीज हैं हमारे मुल्क के बलूचिस्तान को ऑल ओवर जितने भी बलूचिस्तान की सिटीज हैं उनको बैन किया गया है वहाँ से दुबई के अंदर उनके वीजा नहीं लग रहे। और में भी बहुत सिटी है, शेखुपुरा को भी बैन किया। लाहौर को बेसिकली अभी इस लिस्ट में ही डाला गया, कसूर, शेखुपुरा, चकवाल, सरगोधा, खुशाब, मियांवाली, इन तमाम सिटीज को इसमें डाला गया है। और अभी हाल में कुछ और जंग सिटीज हैं जिनको ऐड किया जा रहा है, और ये भी रूमर्स निकल रहे हैं कि जो 42 ईयर्स से बिलो हैं उनको उनका वीज़ा बैन किए जा रहे हैं, और इधर ये कहा जा रहा है कि विजिट वीज़ा दे रहे हैं पर विजिट वीज़ा नॉट मोर देन 10 डेज। मेरे अपने कुछ जानने वाले हैं जो आईटी के हवाले से ही हैं, तो वो उधर गए हुए थे, वो बेसिकली विजिट वीज़ा पे गए थे। अच्छा। और उनका बेसिक एजेंडा यही था, जो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं, उनका ये था कि हम कहीं ना कहीं वहाँ जाके एडजस्ट हो जाएं, पर